भारत तक अब नए अंदाज में। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आए तो उनसे कई मुद्दों पर पीएम मोदी की बात हुई, मसलन चीन और पाकिस्तान की, खासकर इनकी हरकतों पर चर्चा हुई। इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई है। दोनों देशों के बीच इस मामले पर क्या विमर्श हुआ? पुतिन के दौरे पर वैसे भी पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी, ऐसे में इस बैठक से चीन और पाकिस्तान के लिए बुरी खबर सामने आई है। तो बात पहले चीन की। चीन के साथ सीमा पर चल रहे खींचतान पर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि रूस के सामने चीन के द्वारा पैदा किए जा रहे तनाव को लेकर जानकारी दी गई है और उस पर चर्चा भी हुई है, लेकिन ये जानकारी बहुत ज्यादा अब सामने हम नहीं रखेंगे। चीन के बारे में जिक्र किया था, ईस्टर्न लद्दाख की जो अभी जो समस्या, जो स्थिति वहाँ पे है, इसके बारे में चर्चा के बारे में आपने जिक्र किया। तो ये मैं कह सकता हूँ कि जितने भी मुद्दे थे इंडो पैसिफिक और जो हमारे सुरक्षा के अनुसार जो कंसर्न्स थे, वो सब डिस्कस किए गए हैं और इससे ज़्यादा मैं अभी कह नहीं पाऊँगा। वहीं भारत रूस की बैठक में चीन के अलावा पाकिस्तान और उसके द्वारा स्पॉन्सर किए जा रहे आतंक पर भी बात हुई है, जिसमें आतंक के खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाए जाने को लेकर दोनों ही देशों ने समर्थन देने की बात कही है। स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस ऑन द इश्यू ऑफ काउंटर टेररिज्म, देयर वाज अ सेंस बाय बोथ साइड्स दैट स्ट्रॉन्ग एक्शन नीडेड टू बी टेकन बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू एड्रेस द इश्यू ऑफ टेररिज्म, particularly cross-border terrorism. Specific reference was made to the Lashkar-e-Toyba and other groups operating in our region. I think you can understand from this that there was the fullest sense that all those responsible for terrorism in our neighborhood need to be certainly taken into account by the international community. राष्ट्रपति पुतिन ने भी इस तरह के आतंक पर कड़ी कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक साथ आने की अपील की है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मीटिंग के दौरान दोनों ने ही एक दूसरे की भूमिका को खूब सराहा और साथ ही ये भी दोहराया कि दोनों देश एक दूसरे के साथ पूरी मजबूती से खड़े थे, हैं और आगे भी रहेंगे। पिछले कई दशकों में वैश्विक स्तर पर कई फंडामेंटल बदलाव आए, कई तरह के जियोपॉलिटिकल समीकरण उभरे, किंतु इन सभी वेरिएबल्स के बीच भारत रूस मित्रता एक कांस्टेंट रही है। दोनों देशों ने न सिर्फ एक दूसरे के साथ निसंकोच सहयोग किया है, एक दूसरे की सेंसिटिविटीज का भी विशेष ख्याल रखा है। यह सचमुच इंटरस्टेट दोस्ती का एक यूनिक और विश्वस्त मॉडल है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से रूस और भारत की मित्रता मजबूती से आगे बढ़ रही है, उससे दुश्मनों की परेशानी बढ़नी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।